में जो बयानबाजी हुई है सही मानों में ड्रामाबाजी हुई है, और जब आए बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तो किस तरह चर्चा की आपने देखा। गगोई ने बहुत बढ़िया ओपनिंग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने संसद में हुए बयानबाजी को लेकर, दरअसल संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर बयानबाजी हुआ था जिसे उन्होंने ड्रामाबाजी कहा है। उनका भाजपा पर प्रहार है कि भाजपा ने बयानबाजी नहीं बल्कि मुख्य मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दे पर चर्चा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ ड्रामाबाजी हुआ है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आराम से आज शत्रु जी सर जी, जिस तरह पीएम ने संसद में सर कहा उसको लेकर क्या थोड़ा सा रुकिए, हाथों में रखो संसद लिखे। अरे अरे हटा रही यार मुंह से, ये है पार्टी की तरफ से संसद में जो बयानबाजी हुई है सही मानों में ड्रामाबाजी हुई है। कुछ लोगों ने कुछ हद तक नौटंकी की है। इतने गंभीर मसले पे, मणिपुर के विषय पे चर्चा या विश्वास प्रस्ताव उसके बाद गंभीरता पूर्वक बात न करना, हंसी मजाक करना, लोगों का मजाक बर्जेस पीछे करो ना, तो पीछे हमको सब हाथ पकड़ के खींच रहा, हम क्या कर सकते हैं। एक तो 3-3 महीने से ज्यादा हो गए पीछे करो दिखे, और जब आए बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मजबूरी में जब उनको लाया गया, चाहे जब क्या करिएगा इसको संसद में आए मणिपुर पे चर्चा करने के लिए, तो किस तरह चर्चा की आपने देखा, किस तरह से हुई। लेकिन हाँ, उसी में कुछ लोगों ने बहुत ही दमदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार स्पीच दिए जिनका उल्लेख करना जरूरी है। जैसे कि हमारे गगोई ने बहुत बढ़िया ओपनिंग की, फैंटास्टिक। राहुल गांधी ने इस तरह से पेश किया, लोगों को जो ऊर्जा प्रदान की उन्होंने अपने अपनी गहराई विषय की गहराई से, तो देखिए मैं समझता हूँ राहुल गांधी के चंद सबसे बढ़िया भाषण में आज तक के, एक भाषण का पार्लियामेंट का था। उसी तरह से स्वागतो राय साहब ने एक बात की, टीएमसी के या महुआ मित्रा ने जो की, यहाँ एनसीपी की हमारी सुप्रिया सुले ने जो बात की, यहाँ उसका भी उल्लेख करना जरूरी है, जो मुलायम सिंह जी की बहू हमारे लेट और ग्रेट मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी डिंपल यादव ने जिस तरह से प्रचार किया मामले को, या और नीचे साउथ के लोग जिस तरह से आए और अपनी बातों को रखा, इन बातों पे रोशनी डालने की कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत प्रभावशाली इन लोगों का स्पीच रहा, वो भी बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। लेकिन हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे मित्र भी हैं और सोसाइटी के फ्रेंड हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब उन्होंने जिस तरह से बात 2 घंटे से ज़्यादा जिस तरह से बात की, आप लोगों ने देखा, और उसे कई बार तो लगा कि वो इलेक्शन का प्रचार करने आए हैं, ज़्यादातर करके इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। मणिपुर से शायद उनका और ज्यादा लेना देना नहीं है, ऐसा देखा कि प्रधानमंत्री जी जो है प्रचार मंत्री बनकर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इससे ज्यादा और इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू। जैसा कि उनका कहना है कि वहां पर मजाक चल रहा था, कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के इस रवैये से ऐसा लगता है कि वह जनता के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेती है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।